नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस डॉट एजुकेयर में। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम जो नेक्स्ट सेशन था हमारा जीएस का, और जीएस में एनवायरनमेंट का, तो उसके हम नेक्स्ट सेशन का जो चैप्टर है उसको आज हम कवर किए हैं, तो चलिए उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें है क्या? चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेशन आज का है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। तो 1985 में जो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उनकी अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना। और उनकी अध्यक्षता में किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सितंबर 1995 में, कब? सितंबर 1995 में क्या किया गया? इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है ना। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है ना। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NRCA, ठीक है ना, NRCA इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो भारत का पीएम होते हैं, वर्तमान पीएम, वही इसके हमेशा अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। तो इसका जो गठन किया गया था वो 1985 में किया गया था। 1995 में, यानी सितंबर 1995 में, इसका नाम बदल के राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया, जिसको हम शॉर्ट में NRCA बोलते हैं। और इसके हमेशा जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, सेकंड की क्या है कि केंद्रीय बजट 2014 में नमामि समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया, ठीक है ना। समन्वित संरक्षण गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया था ये। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नमामि गंगे। तो 2014 की हम जब बात करते हैं तो 2014-15 के बजट में उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे श्री अरुण जेटली जी ने क्या किया था कि एक विधेयक पेश किया था, ठीक है ना, जिसका नाम नमामि गंगे दिया था। और एक जो उस समय विधेयक इन्होंने पेश किया था, तो उस समय इसका जो नाम था वो एकीकृत गंगा विकास परियोजना के नाम से था। क्या था? एकीकृत गंगा विकास परियोजना के नाम से इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड की। थर्ड क्या है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2009 में, ठीक है ना। जिसको हम शार्ट में क्या बोलते हैं? इसको हम शार्ट में बोलते हैं NGRBA। इसका होता है नमामि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है ना। नमामि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हम बोलते हैं, जिसका जो गठन हुआ था वो हुआ था फरवरी 2009 में, ठीक है ना। फरवरी 2009 में इसका क्या हुआ था? गठन किया गया था। और जिसका लक्ष्य वर्ष क्या था? जिसका लक्ष्य वर्ष था 2020, ठीक है ना। 2020 जिसका लक्ष्य वर्ष था। ये दो इसका क्या मतलब है? 2020 का इसका मतलब है कि गंगा नदी में, ठीक है ना, जब गंगा के नाम से परियोजना आती, जाहिर सी बात है गंगा नदी के ही रिलेटेड होगा, तो गंगा नदी में, ठीक है ना, 2020 तक जितने भी गिरने वाले सीवेज के पानी होते हैं या इंडस्ट्री के, फैक्ट्री के, या फिर अपशिष्ट पदार्थ जो भी गिरने वाले, उनको रोकना, उन पर कंट्रोल करना था, ठीक है ना, 2020 तक, कि जो अभी तक हो नहीं पाया। ये जो गवर्नमेंट का प्लान था ये लगभग लगभग ठंडे बिस्तर में ही रह गया। बहुत ज़्यादा इस पर पैसा भी खर्चा हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ। आज भी गंगा दूषित है और जो आने वाले समय में भी लगता है कि दूषित ही रहेंगे, क्योंकि इतना इस पर पैसा, इतने प्लान आए हैं ये राजीव गांधी के समय से लेके मोदी जी तक के समय में, इतने प्लान आए लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा कारगर और बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, फोर्थ की। फोर्थ क्या है? फोर्थ है कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। ये क्या चीज़ है? जैसे गंगा एक्शन प्लान आया था ना, कब? 1985 में, ठीक है ना। 1985 से लक्ष्य वर्ष क्या था? 2020 तक।
ठीक है ना, जो गंगा एक्शन प्लान था उसी तरह यमुना एक्शन प्लान आया कब, 1993 में। तो जब हम प्रथम इसमें तीन आए, तीन एक्शन प्लान आए, तीन जो यमुना एक्शन प्लान था वो तीन आए, जो प्रथम था वो 1993 से लेके 2003 तक था। ठीक है, इस जो सीरीज़ है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको जरूर याद कर लीजिए, हमेशा क्वेश्चंस में पूछता है प्रथम द्वितीय और तृतीय कब आया था। तो जो प्रथम आया था 1993 से लेकर 2003 तक था, जो द्वितीय था, ठीक है ना, जो द्वितीय था वो 2004 से लेकर 2015 तक था। ठीक है, जो तृतीय था तृतीय 2016 से लेकर कब तक है, ये अब तक है। ठीक है ना, प्रथम आया 1993 से 2003 तक था, द्वितीय था 2004 से लेकर 2015 तक, और तृतीय 2016 से लेकर अब तक था। ये तीन उनके एक्शन प्लान आए हैं यमुना के। ठीक, चल नेक्स्ट की हम बात करते हैं फिफ्थ की, क्या है ये एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एजेंडा जो 21 है वो सतत विकास से संबंधित है। इसको हम बता दें कि 1992 में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, कहाँ पे, ब्राज़ील में, ब्राज़ील के किस शहर में, रियो डी यो जेनेरियो में, ब्राज़ील के एक ब्राज़ील की जो राजधानी है रियो डी जेनेरियो में, 1992 में विश्व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है एक मीटिंग हुई थी, जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं, और जिसका जो और एजेंडा जो 21 है इसका जो संबंध है वो सतत विकास से है। ठीक है ना, किससे है, सतत विकास से है इसका। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं सिक्स क्या है कि एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे। जब ये 1992 में आया था ना यूएनओ की मीटिंग में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो ये चार समझौते हुए थे, कितने हुए थे, चार समझौते। अच्छा, कहीं कहीं आपको पांच भी मिलेंगे, लेकिन पांच गलत है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन जो है दो तीन बार पूछा गया है, तो जो इसके संशोधित आंसर की आई थी, मुझे लग रहा है कि ये पीसीएस में पूछा गया था, तो उसमें जो पहला आंसर आया था 2005 इसके जो समझौते थे, लेकिन नहीं, ये गलत था। इसके टोटल कितने समझौते थे, टोटल चार समझौते थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या है कि एक मार्ग एक्स ने एक्ट है, ये देखिए ये एक्ट है, भारत में कब आया। ठीक है ना, तो ये आया 1937 में, कब आया 1937 में। अच्छा चलिए बता दें कि एक मार्ग क्या होता है, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वस्तुएं होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको हम एक मार्क देते हैं, ट्रेड मार्क देते हैं। ठीक है ना, ये मार्क का होल मार्क का हम देते हैं, किसको एक मार्क देते हैं, हमेशा पूछा जाता है कि एक मार्क हम किसको देते हैं। तो एक चीज़ रट लीजिए, जितने भी कृषि से संबंधित वस्तुएं होंगी, वो वस्तुएं जो कृषि उत्पाद से बनती हैं, उनको हम एक मार्क देते हैं। ठीक है ना, और कब आया, 1937 में आया। नेक्स्ट की बात करते हैं हम एट्थ के हम, निम्नलिखित में से किसे, किसने ये किसे हैं, किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध संस्थान या शोध केंद्र, यह है क्या चीज़। तो हम आपको बता दें कि जैसे हमारे यहाँ पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो टोटल कितने हैं, सात महाद्वीप हैं, जिसमें हम रहते हैं वो क्या है, एशिया, और इससे छोटा, इस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, एशिया के बाद कौन सा है, अफ्रीका है, फिर क्या है, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका है, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका है। ठीक है ना, ये चार हो गए, फिर पांचवा हम आपको बता दें कि अंटार्कटिका है, छठवा कौन सा है, ये यूरोप है, ठीक है ना, और सातवा कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। चलिए मैं आपको घटते क्रम में बता दिया, ये भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि जो भारत पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं, सात, सबसे बड़ा कौन सा, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब जो अंटार्कटिका है आपका, जो पाँचवें नंबर पर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि वर्ष भर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती, कोई भी जीव जंतु नहीं रहते, कोई भी नगर और शहर नहीं बसा हुआ, क्या चीज़ है भैया,
यहाँ पे क्या होता है, शोध संस्थान चलते हैं, विश्व के जितने भी लोग हैं देश हैं वो जाके अपना शोध संस्थान कर सकते हैं, लेकिन कोई कब्जा नहीं कर सकता वहाँ पे। तो भारत भी इसी तरह वहाँ पे शोध संस्थान अपना चलाता है, ठीक है ना। तो जो भारत शोध संस्थान चलाता है उसमें तीन शोध संस्थान इनके हैं। तो जो पहला है, ठीक है ना, जो पहला है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना, दक्षिण गंगोत्री। ये हम आपको बता दें कि जो दक्षिण गंगोत्री हुई थी ये इसका जो स्थापना था वो 1983-84 में। चलिए हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे जो था ये था आपका मैत्री। क्या था? मैत्री। मैत्री था 1988 से लेकर 1989 तक, ये शोध संस्थान है। फिर उसके बाद तीसरा, तीसरा भारती। भारती कब आया? 2012 में, ठीक है ना। इसको आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा पूछता है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नहीं समझते हैं कि जैसे 1983 से लेकर 1984 में जब स्थापित हुआ तो दूसरे की क्यों जरूरत पड़ी, तीसरे की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए मैं आपको बता दूं कि चूँकि ये शोध संस्थान है वहाँ वर्ष भर बर्फ़ रहती है और बर्फ़ जमती भी रहती है। तो जहाँ पे हम जैसे प्रथम हमने स्थापित किया कौन से, दक्षिण गंगोत्री अपने जो शोध संस्थान है या गंगोत्री के नाम से, तो ये क्या करता है कुछ समय बाद वो शोध संस्थान पे बर्फ़ जम जाती है जिसको वहाँ से हमको हटा के या फिर दूसरा हमको स्थापित करना पड़ता है। तो इसी तरह जो भारत का पहला शोध संस्थान था अंटार्कटिका में गंगोत्री नाम से 1983-84 में स्थापित किया गया, दूसरा मैत्री था 1988-89 में, और सबसे लास्ट और अब तक का भारती थे जो 2012 में स्थापित किया गया, ठीक है ना। तो सर जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध संस्थान है, ठीक है। इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ये सीरीज पूछता है, ईयर भी पूछता है, ठीक है, और कितने हुए ये भी पूछता, नंबर वाइज भी पूछता है। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ, नाइन्थ का। नाइन्थ क्या है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध संस्थान का क्या नाम है? देखिए अभी जस्ट हमने बताया अभी भारतीय नाम है, कब? 2012 में स्थापित किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं टेंथ की। टेंथ क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं की बात कर रहा है, हमेशा याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में सही है, भारतीय प्राणी संस्थान देहरादून में भी सही है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, कोलकाता में नहीं है, ये भोपाल में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी है क्या? भोपाल, ये भोपाल में अवस्थित है। फिर उसके बाद है डी, हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा राजस्थान, ये भी सही है, ठीक है। आप भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में ना होगा, कहाँ पर ये? भोपाल में है। चलिए 11 की हम बात करते हैं। 11 क्या है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कादरी कहाँ अवस्थित कादरी कहाँ अवस्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। जोधपुर कहाँ पे है मित्रों? ये राजस्थान में है, ठीक है ना, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। और कादरी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा कि कादरी अनुसंधान, या इसको हम पूरा जो बोलते हैं कि कादरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो जोधपुर राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। कभी कभी सिर्फ स्टेट का नाम पूछता है तो कहाँ पे? राजस्थान में। और पर्टिकुलर स्थान का नाम पूछेगा तो कहाँ पे? जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं 12 के। 12 क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ अवस्थित है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है ना। और ये जो स्थापित किया गया था किस दिन, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, आपको बता दूं, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या है भैया? विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब मनाया जाता है कोई बताएगा? विश्व पर्यावरण जो दिवस होता है वो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 5 जून 1980 को ये क्या किया गया? स्थापित किया गया। किस दिन? विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यह स्थापित किया गया। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ पे? नई दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है। चलिए ये राजभव का हमारा जीएस एनवायरमेंट का, फिर अगला भी आएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को देखें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि क्या प्रॉपर आवाज़ नहीं आती क्या? आप लोग जरा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या वॉइस में कुछ कमी रहती है, फिर वॉइस प्रॉपर नहीं आती क्या? तो आप प्लीज़ इसको पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।